के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है और उसने अपनी कार्य प्रणाली चेंज कर ली है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह मंत्री ब्रिजिलेश सिहोर से की। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़कर 25,000 मत प्राप्त करने वाले गौरव सन्नी महाजन के घर रात लगभग 8:30 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता सहस्त्र बुद्धे और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालविया पहुंचे और काफी देर तक उनसे चर्चा की। स्कूल में हिंदू छात्रों के लिए हिजाब और बुर्का के लिए बाध्य करने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दीवार पर लिखे स्लोगन और साक्ष्य मिटाने के मामले में भी जांच करने की बात कही है, जिसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के निर्देश पर पत्र जारी कर पुलिस अधीक्षक से 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। भोपाल में ओबीसी महासभा का आंदोलन जारी है। राजधानी के सेकंड स्टॉप स्थित मंदिर के पास आधे कपड़ों में महासंघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारी और सदस्य मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने भी निकले, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ओबीसी महासभा के साथ शिक्षक संघ मेडिकल छात्र संगठन भी इस आंदोलन में शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव नेहरू स्टेडियम में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार धारदार हथियार से युवक की हत्या हुई है। मृतक जुन्नारदेव पुरानी बस्ती का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों और हत्या के कारणों को लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। भैरुंदा के शास्त्री कॉलोनी निवास गोपाल महेश्वरी आत्महत्या मामले में जांच की मांग को लेकर महेश्वरी समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों ने बताया कि मृतक गोपाल को समीरन शाह समेत 3 लोग ब्लैकमेल कर प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर गोपाल ने आत्महत्या कर ली, जिस पर समाज के लोगों ने 3 आरोपियों पर जांच की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन सौंपा है। अमरवाड़ा विधानसभा के किसानों को यूरिया नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरवाड़ा प्रशासन के हटकर्ता रवैया लापरवाही से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। किसान सुबह से ही यूरिया गोदाम ऑफिस में पहुंचकर लाइन में लगते हैं। किसान बताते हैं कि चेहरे देकर यूरिया देते हैं और जो किसान सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं उन पर अधिकारियों की मनमानी के चलते यूरिया नहीं मिल पाता और किसान हताश निराश होकर लौट जाते हैं। भोपाल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाइक चोरों का गिरोह मध्यप्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। चोरों की गिरफ्तारी भोपाल, जबलपुर और धार से हुई। मामले में ऐशबाग थाना पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 250 से ज्यादा बाइक जब्त किया है। भीड़ में अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की और बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी की। आपको बता दें कि मृतक दुकान बंद कर घर जा रहा था, इसी दौरान घर के दरवाजे पर अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना उमरी थाना क्षेत्र के उमरी कस्बे की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। रामायण महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, साथ ही सीएम केलो महाआरती भी करेंगे। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर सीएम बघेल ने दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहानागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है। दुर्घटना में दिवंगत जनों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, ईश्वर सबके परिजनों को हिम्मत दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में 26 करोड़ की लागत से निर्मित बड़े तरिया का लोकार्पण किया। यह तरिया 18 एकड़ रकबे में बना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बड़े तरिया परिसर क्षेत्र में अंतर्गत लेजर विद म्यूजिकल फाउंटेन शो का शुभारंभ भी किया, जिसमें जीवंत लेजर की रोशनी, फाउंटेन से छोड़े जा रहे पानी के फुहारों और मल्टीमीडिया शो के मनोरंजन हो सके। इस दौरान सीएम ने भाजपा पर तंज कसा, साथ ही रायगढ़ में हो रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को भी लेकर जानकारी दी।
जगदलपुर कृष्णा पार्क में बस्तर संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सम्मेलन किया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों समेत हर बड़ी और छोटी पार्टी का फोकस अंचलों में बढ़ गया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे के बाद आज कांग्रेस के दिग्गज बस्तर में संभागीय सम्मेलन में हुंकार भरी। बस्तर की 12 विधानसभा को वापस जीतने की बात हुई, साथ ही दूसरी लोकसभा सीट कांकेर को इस बार जीतने की बात कही। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बस्तर में बदलाव की बात करते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कार्य करने के टिप्स भी दिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं लाभ दिलाने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के शहीद नेताओं पर बोलते हुए भावुक होते नजर आए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर पूरे देश में भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इस कड़ी में आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राजधानी रायपुर में जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान में तहत भाजपा नेता घर घर संपर्क कर भाजपा सरकार की सफलताएं बताएंगे। भिलाई में एक डॉक्टर ने शादी का प्रलोभन देकर महिला का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के शिकायत दर्ज कराने के बाद स्मृति नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को सीएम मेडिकल हॉस्पिटल कंचादूर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजस्थान का रहने वाला है और पिछले 3 साल से लगातार महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि शादी की बात करने पर डॉक्टर जान से मारने की धमकी देता था। सरगुजा जिले में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से जिले में बेहतर कानून व्यवस्था की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर बेहतर करने के लिए चलानी कार्रवाई और अन्य जन जागरूकता अभियान के जरिए बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले लक्ष्य के अनुपात में वसूली नहीं होने से निगम को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं 82 बड़े बकायेदारों से करीब 80 लाख रुपए वसूले को लेकर धमतरी निगम प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते बकायेदार टैक्स जमा करने आगे नहीं आ रहे हैं, जिस लेकर निगम प्रशासन उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। भिलाई नगर निगम के वार्डों में विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षदों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, जहां पार्षदों का कहना है कि शहर के कई वार्डों में तरह तरह की समस्याएं व्याप्त है, जिससे लोगों को हर रोज 2-4 होना पड़ रहा है, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों ने 18 बिंदुओं पर आयुक्त रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपा है। दुर्ग के एटीएम में चोरों के बाद अब मानसिक रोगी भी घुसने लगे हैं। जिला अस्पताल परिसर के बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में एक निर्वस्त्र मानसिक रोगी घुस गया, जिसके इंतजार में ग्राहक में घंटों बाहर खड़े रहे। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मानसिक रोगी को बाहर निकाला। आपको बता दें कि मानसिक रोगी ने एटीएम मशीन का स्क्रीन तोड़ दिया है। गरियाबंद में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के अफसरों के वाहनों पर कुल्हाड़ी व धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया और डीएफओ सहित कई वन अधिकारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। अतिक्रमणकारी पहले से ही प्लानिंग कर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का इंतजार कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो रूट ने शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट में 56 रन बनाए। इसी के साथ अपने 130वें टेस्ट में वह 11,000 रन पार कर गए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनसे पहले इंग्लैंड के ही एलिस्टर कुक ने 31 साल 375 दिन की उम्र में 11,000 रनों का आंकड़ा पार किया था। फ्रेंच ओपन में उलटफेर का सिलसिला जारी है। विमेंस की वर्ल्ड नंबर 3 अमेरिका की जेसिका पेगुला तीसरे दौर में हार कर बाहर हो गई है। वहीं वर्ल्ड नंबर 2 आरना सबालेंका और मेंस में नोवाक जोकोविच चौथे दौर में प्रवेश कर लिए हैं।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापो और किसानों संगठनों के महापंचायत हुई। लगभग 5 घंटे चले इस महापंचायत में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेट दिया गया। इस साल कूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों का समर सीजन बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया। पिछले साल के मुकाबले डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही कंपनियों की बिक्री 35-40% घट गई। मार्च अप्रैल के बाद मई में भी बारिश और बादलों के चलते गर्मी सामान्य से कम रही। इसके चलते ज्यादातर लोगों ने एसी कूलर फ्रिज खरीदने की योजना स्थगित कर दी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।